कांग्रेस कल है और राजस्थान तीनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस का विवाद तो जग जाहिर है, मगर राजस्थान के बाहर भी कांग्रेस में कोई विवाद हो और उसका संबंध राजस्थान से ना हो, ऐसा लगभग असंभव सा हो गया है। हाल ही में गुजरात और हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की ही रही, मगर इस बार हिमाचल के साथ ही राजस्थान में फिर सुर्खियां हैं और वजह है हिमाचल के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के 6 बार के सीएम रहे, वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य पर उनकी पत्नी सुदर्शना चुंडावत ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। सुदर्शना उदयपुर के आमेट की रहने वाली है और मेवात राजवंश की राजकुमारी है। सुदर्शना चंडावत ने पति और परिजनों पर इसी साल के 17 अक्टूबर को उदयपुर की कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी पहली सुनवाई 17 नवंबर 2022 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उदयपुर की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने विक्रमादित्य सिंह, सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता, नंदोई अंगद सिंह और चंडीगढ़ की एक युवती को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सभी प्रतिवादियों को उदयपुर कोर्ट में 14 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए थे, मगर राजस्थान में कोर्ट कर्मियों की हड़ताल के चलते अब अगली तारीख दे दी गई है। अब विक्रमादित्य सिंह को 13 जनवरी और 20 जनवरी को उदयपुर कोर्ट में पेश होना है। उदयपुर में विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही है, जहां ACJM कोर्ट 2 में पहला मामला घरेलू हिंसा से संबंधित है, जिसमें विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह, वीरभद्र की बेटी अपराजिता सिंह, उनके पति अंगद सिंह को तलब किया गया है, तो वहीं दूसरा मामला गुजारा भत्ते से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई एक पारिवारिक अदालत में चल रही है, जहां सिर्फ विक्रमादित्य को तलब किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि ये एक पारिवारिक मामला है जो फिलहाल विचाराधीन है और ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी परिवार में हो सकते हैं और हम कानूनी मध्यस्थता के जरिए मामले को शांति से सुलझा लेंगे। आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह की शादी मार्च 2019 में सुदर्शना चुंडावत से हुई थी। बताया जाता है कि शादी के बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी, जिसके बाद दोनों काफी समय से अलग रहते हैं। सुदर्शना ने जब अदालत से गुहार लगाई कि उनके ससुराल वालों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा नहीं करने के लिए पाबंद किया जाए और उन्हें अलग रहने के लिए मकान की व्यवस्था करने के आदेश दिए जाएं। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक को दी गई अपनी शिकायत में 26 साल की सुदर्शना ने ससुराल वालों पर उसके जीवन को मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो डर में जी रही है। सुदर्शना ने आरोप लगाया कि कोविड के दौरान विक्रमादित्य और अन्य लोग घर से बाहर निकल जाते थे, लेकिन उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। इसके अलावा विधायक ने कथित तौर पर उस पर निगरानी रखने के लिए कमरे में एक CCTV कैमरा भी लगा दिया था। शिकायत में भी आरोप लगाया गया है कि विक्रमादित्य सिंह का 38 वर्षीय चंडीगढ़ निवासी एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में उसे पता चलने पर विक्रमादित्य ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं उसके साथ रह सकती हूं, लेकिन वो उस महिला को नहीं छोड़ सकता है। सुदर्शना का दावा है कि विक्रमादित्य सिंह और अमरीन ड्रग्स लेते थे, जिससे उसकी जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ा है। उसने भी आरोप लगाया है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो उसे 10 करोड़ रुपए नकद देने होंगे।